बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे आई एम हेयर टू टीच यू सोशल स्टडीज़ एज़ यू कैन सी द बुक एट योर स्क्रीन। ओके बॉयज़, नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 12। एज़ यू नो दैट दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिकैप्चुलेशन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो हमने अपने पिछले लेक्चर में स्कूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने अपने स्कूल के फोर लेवल्स के बारे में पढ़ा था, दैट वॉज प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल, सीनियर स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। फ्रॉम क्लास नर्सरी टू प्रेप, दिस इज़ आवर प्री प्राइमरी लेवल। देन क्लास फ्राम 1 to 5, दिस इज़ अवर प्राइमरी स्कूल। एंड फ्राम 8 to 10 एंड दिस ऑल क्लासेज आर इंक्लूडेड इन सीनियर स्कूल। ओके, एंड देन वी गो टू कॉलेज। ओके, देन हमने लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था, वी रीड बुक्स इन लाइब्रेरी। देन प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है। देन कंप्यूटर लैब एंड देन टक शॉप एंड प्ले ग्राउंड, दिस ऑल थ्री थिंग्स आर इन आवर स्कूल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हमने अपने स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, दैट वॉज राइटिंग, नंबर्स एंड पेंटिंग। ओके बॉयज, दिस वॉज अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर। नाउ कम टू पेज नंबर 14। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, कि हम अपने स्कूल में और क्या सीखते हैं। हम अपने स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, विच व्हेन यू गेट ओल्डर यू विल स्टडी मैनी अदर सब्जेक्ट्स। हेयर आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स वी स्टडी इन स्कूल। जब हम बड़े होते हैं तो हमें कुछ नए सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्लास नर्सरी प्रेप में थे तो आप इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, GK और ड्राइंग पढ़ा करते थे। बट व्हेन यू कम टू इन क्लास 1 तो आपको कुछ न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले, दैट वॉज सोशल स्टडीज़, इस्लामियात एंड साइंस, ठीक है। अब ये तीन सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात और साइंस, आपने नर्सरी प्रेप में नहीं पढ़ी थी, बट जब आप थोड़े बड़े हुए हो, 1 में आए हो, तो फिर आपको ये न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिले, ठीक है। इसी तरह जब आप सीनियर्स लेवल में जाएंगे, 8, 9, 10 में जाएंगे, तो आपको कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, लैंग्वेजेस, व्हाट आर लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेजेस वो ज़ुबान जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज जिसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं। इट कैन बी उर्दू, इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी पश्तो, ठीक है। दीज ऑल आर लैंग्वेजेस। द फर्स्ट लैंग्वेज यू लर्न एज अ चाइल्ड इज़ कॉल्ड योर मदर टंग। मदर टंग मीन्स मादरी ज़ुबान, ठीक है। वो लैंग्वेज हम अपने घर में सबसे पहले बोलना सीखते हैं, ठीक है। जाहिर है, छोटा सा एक बेबी होता है, जब वो स्लो स्लो बड़ा होता है तो वो अपने घर में वो वही लैंग्वेज बोलता है जो उसके मामा बाबा उसके साथ बोलते हैं, जो उसके घर में उसके साथ बोली जाती है, ठीक है। अगर उसके साथ घर में पश्तो बोली जाती है तो वो बच्चा भी सबसे पहले पश्तो ही बोलना सीखेगा, ठीक है। तो उसकी जो मदर टंग होगी वो पश्तो होगी। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने घर में उर्दू बोलना सीखते हैं और अपने मामा पापा के साथ उर्दू बोलते हैं, तो उनकी मदर टंग उर्दू होती है, ठीक है। इट कुड बी उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, इंग्लिश और अनदर लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेजेस के नेम्स दिए हुए हैं, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची एंड पश्तो, दीज आल आर लैंग्वेजेस। और ये लैंग्वेजेस हमारे अपने कंट्री की हैं, पाकिस्तान की हैं, और ये पाकिस्तान में बोली जाती हैं, ठीक है। पंजाबी जो है वो पंजाब में बोली जाती है, सिंधी जो है वो सिंध प्रोविंस में बोली जाती है, बलोची जो है बलोचिस्तान में बोली जाती है, और पश्तो हमारे अपने प्रोविंस KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है, ठीक है। ओके, आप लोगों को पता होगा कि कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मदर टंग पश्तो होती है, अपने घर में पश्तो में बात करते हैं, सो दे डोंट नो अबाउट उर्दू एंड इंग्लिश। बट व्हेन दे कम टू स्कूल, जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ टीचर दे कैन ईजिली स्पीक और अंडरस्टैंड उर्दू एंड ऑल्सो इंग्लिश, ठीक है। वो उर्दू भी बोलना सीख जाते हैं और इंग्लिश भी बोलना सीख जाते हैं। और कहाँ सीखते हैं? स्कूल में, ठीक है। इन स्कूल यू मे हैव टू लर्न 2 or 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। और स्कूल में आके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, ठीक है। अगर आपको उर्दू बोलना नहीं आती तो आप स्कूल आके उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलना नहीं आती तो आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको शुरू से ही, स्कूल में एडमिशन से पहले ही उर्दू भी बोलनी आती है, ठीक है, जिनकी मदर टंग उर्दू होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आई कम टू हेयर, डिड यू नो देयर आर ओवर 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे तो हमने कुछ लैंग्वेजेस के नाम देखे जो कि पाकिस्तान में बोले जाते हैं, बट सिर्फ इतनी सी लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती, हमारे कंट्री पाकिस्तान में 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स? वी कैन ऑल्सो से मैथ्स, ठीक है। मैथमेटिक्स को हम मैथ्स भी कहते हैं। एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट नंबर्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज ऑल आर
नंबर्स, और नंबर्स के बारे में हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, मैथ्स में। वी नो अबाउट नंबर्स इन मैथ्स, वी नो अबाउट नंबर्स इन मैथ्स। व्हेन यू गो टू बाय समथिंग यू हैव टू नो हाउ टू काउंट, यू हैव टू नो हाउ मच मनी यू टू पे टू द शॉपकीपर एंड हाउ मच चेंज यू शुड गेट इन रिटर्न। जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी मनी है, आपने शॉपकीपर को कितनी मनी दी है और आपको रिटर्न में कितनी मनी वापस मिलनी चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स वी लर्न इन मैथ्स। वी ऑल्सो लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिविजन, टेबल्स, दीज ऑल थिंग्स वी लर्न इन मैथ्स। और मैथ्स हमें नर्सरी क्लास से पढ़ाई जाती है। सोशल स्टडीज़, इन सोशल स्टडीज़ यू लर्न अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन, ठीक है। ज्योग्राफी मीन्स स्टडी अबाउट द अर्थ, ज्योग्राफी मीन्स स्टडी अबाउट द अर्थ, ठीक है। अबाउट द सॉइल, अबाउट द एलिमेंट्स, दीज ऑल थिंग्स वी लर्न इन ज्योग्राफी, ठीक है। यू गेट टू नो अबाउट योर ओन कंट्री, यू ऑल्सो लर्न वट लाइफ इज़ लाइक इन अदर कंट्रीज़। हमें अपने कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, और कंट्रीज़ पाकिस्तान, हमें उसकी बेसिक्स थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह हमें दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। वी लर्न वट पीपल डू फॉर अ लिविंग एंड हाउ दे अर्न एंड स्पेंड, किस तरह वो लोग अपने दूसरे कंट्रीज़ में लोग किस तरह से रहते हैं, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, दिज ऑल थिंग्स वी लर्न इन, ठीक है। सो वो किस तरह पैसे कमाते हैं, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। यू लर्न अबाउट द वेदर, द लैंड, सीज एंड रिवर्स एंड द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दिज ऑल थिंग्स, ठीक है। हम वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। कम टू पेज नंबर 15, हिस्ट्री। हिस्ट्री टेल्स यू अबाउट व्हाट हैपेंड लॉन्ग अगो, काफ़ी साल पहले जो कुछ गुजर चुका है वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं। व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग किस तरह रहा करते थे, ठीक है। यू लर्न हाउ पीपल लिव्ड, किस तरह पहले ज़माने में लोग किस तरह रहते थे, हाउ सिटीज़ ग्रू एंड हाउ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया करते थे। एज यू नो दैट नाउ वी हैव ट्रांसपोर्ट, वी हैव व्हीकल्स, कार्स, बाइसाइकिल, एरोप्लेन, वी नाउ वी हैव दीज ऑल थिंग्स, एंड वी इफ़ यू वॉन्ट टू गो एनी वेयर देन वी कैन बाई अ टिकट एंड वी कैन ऑल्सो गो इन अ कार, इन अ बस, ओके। बट पुराने ज़माने में लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती थी, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो टोंगर्स, कैमल्स और इस चीज़ में सफ़र करते थे, ठीक है। यू ऑल्सो लर्न अबाउट वट ग्रेट पीपल डिड, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज़ साइंस, देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, इन सम यू लर्न अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक साइंस है। साइंस भी आपके लिए न्यू सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज आप वो क्लास वन से पढ़ रहे हो, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं, अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन अदर्स यू कैन स्टडी हाउ द अर्थ वॉज मेड, हाउ थिंग्स वर्क एंड वट थिंग्स आर मेड ऑफ, हमें ये सारी चीज़ें साइंस पढ़ने से पता चलती हैं। वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ओके, हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। स्पोर्ट्स, मोस्ट पीपल लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, हमारा स्कूल में गेम्स पीरियड भी होता है, और स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी हैं, बिकॉज वर्क्स मेक्स अस टायर्ड, टायर्ड मीन्स थक जाना, जब हम थक जाते हैं काम के बर्डन से, ठीक है। देन गेम्स हेल्प अस रिलैक्स एंड कीप हेल्थी, तो गेम्स हमें क्या करती हैं कि हेल्दी रखती हैं और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। यू ऑल्सो लर्न टू प्ले टुगेदर एज अ टीम, और हमें किस तरह खेलना चाहिए एक टीम बना के। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर दैट दीज आर प्लेइंग एज अ टीम, ओके। सो स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई होप यू रियली इन्जॉयड दिस लेक्चर, ओके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।